प्रदूषण की रोकथाम के लिए भले ही सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण कम होने की बजाय बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार वृंदावन नगरी देश का दूसरा प्रदूषित स्थान है। प्रदूषण के इंडेक्स में गाजियाबाद पहले पर है, बुलंदशहर तीसरे स्थान पर तो ताज नगरी चौथे स्थान पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वनों की धरती कहे जाने वाली वृंदावन इन दिनों प्रदूषण केंद्र पर दूसरे स्थान पर है। जाने कि वृंदावन और उसके आसपास की आबोहवा शुद्ध नहीं है, जो कि हमारी सांसों के लिए खतरनाक है। यह बात हम नहीं कह रहे, यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सूची के अनुसार है। वृंदावन में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ट्रैफिक जाम की समस्या, ईंधन के चलने वाले वाहन, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं हमारे वातावरण के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए मथुरा के जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने पराली जलाने के खिलाफ भी आदेश जारी किया है और किसानों से अपील की है कि वह पराली न जलाएं, ताकि प्रदूषण के लेवल को मेंटेन रखा जा सके। ऐसे में आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रदूषण फैलाने वाली चीजों का प्रयोग ना करें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सूची के अनुसार वृंदावन की आबोहवा दूषित होती जा रही है। जी हाँ, ये आंकड़े प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं, क्योंकि वृंदावन में जो एयर का इंडेक्स लेवल है, जो पॉल्यूशन लेवल है, वो लगातार बढ़ रहा है। कह सकते हैं कि वृंदावन की हवा अब जहरीली होती जा रही है। अगर आप सांस लेंगे तो आपको शायद शुद्ध हवा नहीं मिल रही है। कभी वृंदावन यानी कि वातावरण की तहजीब पर हम बात करें, वृंदावन नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ सिर्फ वन थे। वातावरण के लिहाज से वृंदावन बहुत ही पवित्र स्थान था, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ वन ही वन दिखाई देते हुए थे। लेकिन अब जो पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया है, वृंदावन में पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है, कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जाम, यातायात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से वृंदावन की हवा अब बिगड़ती जा रही है। बिगड़ने का मतलब ये है कि दूषित होती जा रही है। एक तरफ जहाँ पराली के जलाने पर भी रोक लगाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह पराली इस सीज़न में जलाई जाती है तो प्रदूषण का लेवल और बढ़ जाता है वातावरण में। मथुरा के जिलाधिकारी ने भी किसानों से अपील की है कि पराली ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से एयर दूषित होती है, जो हमारी सांसों के लिए, जो हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। तो ऐसे में कोई भी प्रदूषण ना करें, कोई भी अनावश्यक चीज़ें ना जलाएँ, ख़ासतौर पर पराली ना जलाएँ, क्योंकि पराली का निकला हुआ धुआं पूरे वातावरण में फैलता है, जो कि हर किसी इंसान की सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। ऐसे में वृंदावन में प्रदूषण के जो आंकड़े सामने आए हैं, ये भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि वृंदावन की आबोहवा अब शुद्ध नहीं है। न्यूज़ कॉम्बर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद